Hello everyone and welcome to Unacademy platform. So let's crack NEET-PG. Myself Dr. Muskan Chaudhary and I will be your mentor for microbiology. I recently gave my NEET-PG exam and soon will be joining post-graduation. So I did my MBBS from GMCH Udaipur. So today's topic is bacterial cell wall, but before starting the bacterial cell wall, let me acknowledge you with Unacademy platform. As you know, Unacademy is the India's largest learning platform. विद द बेस्ट एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया इसके साथ हमको डेली लाइफ क्लास मिलते हैं एंड द बेसिक एडवांटेज ऑफ डेली लाइफ क्लास द एजुकेटर एंड द स्टूडेंट इंट्रैक्शन इज वेरी हाई जो स्टूडेंट होता है वो अपने अपने एजुकेटर चैट कर सकता है पूछ सकता है पढ़ने का तरीका पूछ सकता हमें डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी आंसर पोलिंग कर सकते हैं देट इज़ वाइल द क्लास इज़ गोइंग ऑन अलॉन्ग विद दिस लाइव टेस्ट एंड क्विजेज़ दैट आर अवेलेबल जिससे इवेलुएट हो सकती है आपकी प्रिपरेशन एनालिसिस हो सकता है आपका परफॉर्मेंस का And how much the student is lagging behind that is very important for a student to know along with this we know that we took uh, five and a half years to complete the entire syllabus of the mbps and to complete the whole 19 subjects within a uh, within a small period of time uh, is something that is needed for uh, for this exam and that too with the smart study along with the hard work is the requirement as the basic requirement of the exam Is clear an academy provide the structured courses for the all the 19 subjects this uh, gives uh, uh, you the best prepare बेस्ट प्रिपरेशन क्योंकि इससे क्या होता है कि ना जो नाइनटीन सेवेल उधर क्या पूछ जाता है क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वॉट एल्स यू नीड टू मोर फोकस ऑन द टॉपिक दिस इज समथिंग इट इज़ नीडेड एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है इसका फ़ायदा स्पेशली उन डॉक्टर्स के लिए हैं जो ओ uh, वीडी में या जो काम कर रहे हैं एंड वो वर्किंग डे शिफ्ट इन द नाइट शिफ्ट फॉर द इट इज सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दे कैन कीप द रिकॉर्डेड वीडियोज एंड कैन वॉच अकॉर्डिंग टू द कंफर्टेबिलिटी क्योंकि पेशेंट लोड कम है तो वीडियोज़ देख लिया अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लिया And to crack, crack any, uh, any exam Bar-bar uh, revision is something that is needed for any for every competitive exam And to revise the whole 19th subdivision concise period of time is something For that the smart structure study is needed And that is provided by the Unacademy By the top, uh, topmost educators And these are uh, courses that are being offered And on every subject list at least two courses are offered by the topmost educators And uh, these are ongoing courses on the platform pe, neurophysiology, pe, GI surgery

दिस नीक वी सब्सक्रिप्शन द रीजन इज दैट क्योंकि एक साल आठ से नौ महीने समथिंग दट टाइम इज़ रिक्वायर्ड कि हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए कंटिन्यू स्टडी चाहिए होती है अगर हम छः महीने सब्सक्रिप्शन लेते हैं आफ्टर दैट हमारे जो क्लास होती है वो रह जाती है लाइव टेस्ट एंड क्विज वगैरह वो रह जाते हैं जो तैयारी चल रही थी वी लूज अ ग्रीप ओवर द प्रिपरेशन दैट वी हैड अर्लियर सो एंड फॉर द डॉक्टर्स हु आव वर्किंग उनके लिए टू ए सब्सक्रिप्शन समथिंग दैट इज मस्ट क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं होता प्रिपेयर करने के लिए एंड दे हैवे माइंड सेट कि इस बार नहीं तो हो सकता अगली बार अच्छे से पढ़ के दे दूँ फॉर फोर्थ एंड टू इयर इज नीडेड एंड प्लीज़ डू यूज़ माई कोड दैट इज मुस्कान एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा टेन परसेंट बेनिफिट ऑन टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड चीप एंड कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स दैट इज़ अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सो अन अकैडमी प्रोवाइड्स एवरी सिंगल बिट ऑफ थिंग्स दट इज रिक्वाइड रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ बैक्टीरिया ये कुछ ऐसा है कि हम क्लास ट्वेल्थ uh, से पढ़ रहे हैं या पी एम टी से पढ़ रहे हैं वी नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यू कैर एंड प्रो कैर एंड द सेल्वल ऑफ द बैक्टीरिया यानी फिर भी इसमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं एंड द मेन थिंग इज देट द वैन द स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स वैन ही लर्न ऑल द नाइनटीन सब्जेक्ट्स एंड वैन ही हैव द ग्रिप ऑफ द वेरी स्ट्रॉग सब्जेक्ट ही लूजेज द बेसिक थिंग्स द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक्स थिंग्स उसे लगता है कि हाँ ये तुम्हें शुरू से आता है बट ड्यूरिंग द एग्जाम वी ऑल हैव द फियर ऑफ द एग्जाम द एनजाइटी ऑफ द एग्जाम द प्रेसर ऑफ द एग्जाम एंड वी हैव द नर्वस ब्रेक डाउन हम सब कुछ भूल जाते हैं गलत मार्क कर देते हैं एंड तीस ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन दैट 90% परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर मार्किंग इट राइट जब नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स जब उसको सही कर रहे हैं यू कॉन्ट अफोर्ड टू मार्क इट रॉन्ग बिकॉज यू विल लूज द वंस यू लूज द एग्जाम मार्क्स ऑन द सिंपल क्वेश्चन द इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी मार्क द हार्ड क्वेश्चन वेरी वेरी राइट क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में आप पैनिक कर जाते हैं तो फिर दिस इज समथिंग कि आप हार्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा फिर तो यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली रिवाइज इट प्रॉपरली रीड इट अगेन एंड अगेन एंड प्रैक्टिस दम एंड अगेन अगेन सो स्टार्टिंग विद द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम द प्रो कैर्यर एंड यू कैरियर प्रो कैर बिलोंग टू द किंगडम मोनरा ना इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना ही न्यूक्लियस होता है ना हिस्टॉन प्रोटीन्स होता है एंड ऑल दीज आर प्रेजेंट द यू कैरियोर्स जो क्रोमोजोम जो होता है प्रो कैयर्स में सिंगल और सर्कुलर होता है जबकि यू कैरियोर्स में ज्यादा इवॉल्व होता है मल्टीपल एंड लीनियर क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी एन मेटीरियल प्लाजमिट होता है प्रो में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बैक्टीरियल जी जेनेटिक्स में भी यूज में आता है काम में आता है आगे हम पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यू में ऑल द साइटोप्लाज्मिक बाउंड ऑर्गनर्स दैट इज गोल्जी बॉडी हो गया फिर आ, ये माइट्रोक्रा वगैरह ये सब यू कैरियस में प्रेजेंट होते हैं प्रो कैरियर में नहीं होते हैं राइबोसोम होता है सेवेंटी एस एंड विच फर्दर हैज सब यूनिट फिफ्टी एस एंड थर्टी एस एट इज प्रेजेंट द प्रो कैरियर एंड यू कैरस में एट्टी ईयर्स फोर्टी एंड सिक्सटी एस सब यूनिट्स प्रेजेंटेंटें होती हैं स्टिल्स आर प्रेजेंट इन दैर टो प्लस मेमर द यू कैरियर्स एट प्रोवाइड द इंटीग्रिटी सेल मेमरी एंड विरािक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्रो कैरियोर्स सो मूविंग एहड जहाँ जहाँ क्यों क्यों लिखा है वहाँ हमारे क्वेश्चन पूछे गए पिछले सालों में सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स डट कीप हैव टू बी द माइंड कमिंग टू द सेलवोल सेलवोल क्या होता है और जो सेलव ग्राम नेगेटिव का इट इज़ वेरी थि कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बट इज मोर कॉम्प्लेक्स ग्राम नेगेटिव का सेलवॉल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ऑल दतला होता है और टेन एनोमीटर लेयर का, का होता है जबकि उसका एटीन एनोमीटर लेर ऑफ थिकनेस इज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव एंड इट इज कम्पोज टू लेयर ऑफ मीर इन द ग्रामेटिव जितने भी अमीनो एसिड्स है, होते हैं एरोमेटिक सल्फर अदर सब के साथ प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव अलॉन्ग विद दिस

उसको लाइपोटिकोरिक बोलते हैं इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल जोड़ के रखता है एरोमेटिक सल्फर अमीनो एब्सेंट इन द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल फ्यूअर अमीनो एसिड्स आर ओनली प्रेजेंट एंड जो क्रॉस लिंकिंग होती है नाम दैट इज द बैकबोन ऑफ द सेल ऑफ द ग्राम दिस बैक्टीरिया तो एन एसिटाइल ग्लूकोजाम एंड एन एसिटाइल मुरामिक एसिड दे आर हेल्प टुगेदर बाय द पेप्टाइड चेन जो फर्स्ट टाइम एसिड दैट टेक्स पार्ट इज़ एल एलोमीन और जो चौथा होता है वो होता है डी एलोमीन और जो क्रॉस लिंकिंग होती है पेंटापेप्टाइड्स की वो कारबोक्सीपेप्टाइडेज एंड ट्रांसपेप्टाइडेज सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस है ग्राम नेगेटिव की लेयर पतली होती कॉम्प्लेक्स होती है टेन अमिनोमीटर टू लेयर्स ऑफ मूरिन की होती है सारा अमिनो एसिड्स होते हैं एंटीटॉक्सन रिलीज करता है इट इज स्पेसिफिक विक ग्राम नेगेटिव में स्पेसिफिक टिकॉक लाइपोटिकॉयक एसिड हो गया नाम नाग हो गया एल एलमिट डी एलिमेंट दट फॉर्म्स द फर्स्ट एंड द फोर्थ अमीनो एसड एंड द क्रॉस लिंग प्लेक्सप्लेस बाय द कार्बोक्सीपेप्टाइटिस एंड ट्रांसपेप्टाइडिज सो द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया नाउ कमिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया इट कम्पोज ऑफ द सेल वो हवे साइटोप्लाज्मिक हेम्रेन न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म Uh um and these the four थिंग्स आज समथिंग इट इज बेसिक एंड द स्पेशल स्ट्रक्चर्स में आ गया अपने कैप्सूल आ गया स्पोर आ गया और फ्लैजम और पैलाया आ गया अब जब बात करते हैं साइटोप्लाजम एनमेंट का इनवेजिनेशन होता है उसको अपर म्यूजोम बोलते हैं म्यूजोम इज अ साइट ऑफ रेस्परेशन फॉर बैक्टीरिया क्योंकि माइटोकॉन्टर प्रेजेंट नहीं होता है बैक्टीरिया में दैट इज प्रेजेंट इन द यू कैरियोर्स यू तो प्रो कैरियर में अपना कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है इसको अपन बोलते हैं म्यूजोम और जब से न्यूक्लियस नहीं है सो तो न्यूक्लियर मेटीरियल इज प्रेजेंट न्यूक्लियर मेटीरियल कहता है कि इरेगुलर डिफाइंड जेनेटिक मेटीरियल प्रेजेंट जहाँ होता है नुकलेस 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 नुकल

एंड द टू लेयर्स ऑफ मेरी हम बता चुके हैं ग्राम नेगेटिव में एक लाइक साइक्रेड जहाँ पर एंटॉक्सन रिलीज होता है दट कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड इट आल्सो हैज अपोरोन लेर दट इज एपसेंट द ग्राम पॉजिटिव इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव में पता था कि टिकॉइक एंड लाइपोटिकॉय एसिड होता है दट प्रोवाइड इंटीग्रेट द सेल वाल

स्टेनिंग प्रोसेस हो गया बट इट इज नॉट कै नॉट बी विजुअलाइज बाई द विजुअलाइज बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप नाउ कमिंग टू द एंड एंटोक्सन मैंने बताया था कि जो ग्राम नेगेटिव सेल होती endotoxin है वो एंडसिन रिलीज करती हैं एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द एल पी एस लेर आउटर आउटर मोस्ट मेमरी सो इट इज एल पी एस लाइफ एग्रेड इन नेचर नाउ कमिंग टू द डायग्रामेटिक ऑफ एंडोटॉक्सिन तीन सब्स का बना होता है ओ सी ए फ्रॉम द आउटर टू द इनर मोस्ट वी रिमेंबर बाई ओ सी और ए तो ओ हो गया सब ओ सोमेटिक एंटीजन हो गया जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है कि मोस्ट वेरिएबल पार्ट कौन सा होता है तो ओ सोमेटिक एंटीजन इज द मोस्ट वेरिएबल पार्ट जो सबसे बाहर की तरफ होता है अब होता है अंदर फिर बीच में आता कोर पॉलिस लेता लास्ट में बनाता है लिपिड ए तो और जो लिपिड ए होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस एंटीटॉक्सिन एक्टिविटी है ना तो अब ये होता भी लाइफ पोलिसाइक्रोड नेचर तो लाइफो पॉलीसाइक्राइड तो पॉलिसाइक्राइड तो बीच वाला पार्ट होगा और लिपिड हो गया अपना ए तो ऑफ बोथ नाउ कमिंग टू द रिकग्नाइजेशन क्या होता है कि जो मैक्रोफेज जो डैंड्राइटिक सेल्स हैं वो लिपिड रिकोगग्नाइज करते हैं एंड दिस काजेज द रिलीज ऑफ द साइटोकिन बाय द माइक्रोफेज एंड डेंट्राइटिक सेल्स सो इंटोलोकिन सिक्स एंड टी एन एफ एल्फा रिलीज होता है एंड दिस काजेज सीवियर एंडोटोक्सीमा एफेक्ट फीवर होगा बी पी कम हो जाएगा सीवर को हो जाएगा इंट्रावेस्कुलर को हो जाता है एंड ज़्यादा लीज हो तो पेशेंट शॉक में अदर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला जाता है सो तीन ज्यादा बेसिक पॉइंट्स के तीन सब यूनिट्स हो गए ओ सी एंड फ्रॉम द आउटर टू इनर एंड दिस एंटीटॉक्सिन एक्टिविटी के लिपिड पिडी रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ओ इज़ द मोस्ट फिरेबल पार्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है नाउ कमिंग टू द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटीटॉक्सन एक्सोटॉक्सिन क्या होता है कि एंडोटॉक्सिन इज रिलीज बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा कि कहो होता है कि इट इज एल पी एस इन नेचर एंड इसके तीन सब यूनिट्स होते हैं क्योंकि एंडोटॉक्सिन क्या हो सेल वॉल के लेयर में प्रेजेंट होता है अगर कोई भी चीज़ सेल वॉल के लेयर uh, में प्रेजेंट तो ले होता है तो उसको रिलीज होने के लिए सेल वॉल का लाइसिस होगा तो देर फॉर द एंडोटॉक्सिन इज रिलीज आफ्टर द लिज ऑफ द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जबकि एक्सोटॉक्सिन एज यू कैन सी इट इज रिलीज डायरेक्टली बाय द बैक्टीरिया सो एंडोटॉक्सिन इज ग्राम नेगेटिव लेकिन एक एक्सेप्शन है दैट इज लिस्टीरिया दैट इज ग्राम positive and it is what lipo इट इज़ नॉट लाइपोपोलीसाइक्राइड इन नेचर सो क्योंकि एक एंटीटॉक्सन जो होता है उसका अमाउंट जो होता है ना ज़्यादा रिलीज होता है एंड इफ इट इज़ रिलीज इन मोर अमाउंट दैट मीन्स इट इज़ लो एंटीजनीसिटी कम एंटीजनीसिटी का और ज्यादा अमाउंट में रिलीज करना है टू कॉज इट्स अफेक्ट्स सो इट कैन नॉट बी टॉक्सॉइड एंड इट इज़ रिलीज ऑफ द लिसिस तो जहाँ जब क्वेश्चन लेके यहाँ से क्वेश्चन हुए जा रहे हैं तो एल पी एस नेचर का होता है मोर अमाउंट इज नीज टू ब प्रोड्यूस्ड और सेल्फ के लिएिस में रिलीज होगा नाउ कमिंग टू एक्जोटॉक्सन जो एंटोटॉक्सन था केवल ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया से रिलीज होता है एक एक्सेप्शन है इसका कि क्योंकि एक्सोटॉक्सिन डायरेक्टली रिलीज होता है बैक्टीरिया डायरेक्टली बैक्टीरिया से तो, you know, uh, तो रिलीज तो होता है एंड नॉट बाय द लिस्सज ऑफ द सेल मेमब्रेन तो लेकिन एक्सेप्शन है क्लोस्ट्रेडियम बॉटुलिज्म जिसमें जो टॉक्सन होता है एक्जोटॉक्सन होता है इज रिलीज आफ्टर द लाइसिस ऑफ द सेल वॉल ऑफ द क्लोस्ट्रेडियम बॉटोलिज्म एंड इट इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर जबकि वो एल पी एस का नेचर का था एंड सिंस इट इज एज यू नॉ दैट बोटुलिज्म टॉक्सन इज रिलीज इन वेरी नैनोग्राम एंड द माइक्रोग्राम तो इसका इफेक्ट ज्यादा होता है कम अमाउंट में मतलब थोड़े से अमाउंट में भी ज्यादा इफेक्ट होता है सो इट कैन बी इजिली टॉक्सॉइड एंड एंड दिस टोल्ड यू की एक्सेप्शन हो गया पॉलिप्टर नेचर कैन भी स्मॉल अमाउंट इज नीडेड एंड वन मोर इज एंडोटॉक्सिन का कॉन्स्टेंट इफेक्ट रहता है हमेशा जबकि एक्जोटॉक्सिन का वेरिएबल इफेक्ट रहता है कि ये प्रो, आ, इसका न्यूरो पर भी इफेक्ट हो सकता है और इसका फिर प्रोटीन सेंथिसिस पर भी इफेक्ट हो सकता है सब वेरिएबल इफेक्ट होता है नाउ Uh, now coming to the uh, limulus, um, uh, limulus amoebocyte lysate that is used for the detection detection of the endotoxin. तो क्या होता है एनीटॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए हम इस एजेंट uh, का यूज़ करते हैं इट इज़ लाइमोलस लाइसेट यह करता है कि जो एल uh, पी होता है उसको कोएगुलेट कर देता है एंड इट दे फो इट हेल्प फो डिटेक्शन एंड इट इज़ सेंसिटिव फॉर द एनिटॉक्सिन एज वेल नाउ कमिंग टू द एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एल फॉर्म और द लिस्टर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया ये हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि एल फॉर्म और लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है कि सेल वॉल डेफिशेंट बैक्टीरिया होता है एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन द लिस्टर इंस्टीट्यूट लांडन सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द एमी चिन बर्गर एंड डेमेमोस्ट्रेट किया था ग्रिफिथ ने कौन से बैक्टीरिया पर स्ट्रेप्टोबैस बैक्टीरिया पे डेमोस्ट्रेट किया था जो रेड बाइट फीवर करता है मोस्टली इन द वेस्टर्न कंट्रीज अब इसके दो फॉर्म होते हैं एक तो स्टेबल भी होता है अनस्टेबल भी होता है अगर आ, देखो ये दोनों बैक्टीरियाज अराइज़ होता है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव और ये अपने आप अप स्पॉन्टेलिस भी स्पॉन्टेनियसली भी अराइज हो सकता है या फिर जो सेलवॉल इनिबीटर्स हम यूज़ करते हैं लैब्स में उसकी प्रेजेंस में भी अराइज़ हो सकता है हमको पता है कि सेलव वॉल क्या होता है कि इंटीग्रेटी होता है पूरे एक सेल को बैक्टीरिया की और ना पैथोजेनिक भी होता है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अब अब सेल्वॉल ही नहीं है लाइक इन द एलफॉर्म ऑफ बैक्टीरिया सो इट्स नॉट पैथोजन नॉन पैथोजेनिक इन द लैब एनिमल्स एंड द वन पॉइंट टू ब रिम्बर इट दैट कि इट कैन भी सीन बाय द नेकड आई इन द कल्चर मीडिया सो बेसिक पॉइंट छोटा सा टॉपिक है सब तीन मुश्किल से क्वेश्चन पूरे जाते हैं इस पर डिस्कवर हुआ था रेड व्हाइट फीवर करता है जो और नॉन पैथोजेनिक होता है एंड कैन बी सीन बाय द नेकड आई इस नाउ कमिंग द ब्लैक को कह अब ग्लैकोल्स अगर लूजलीफाइंड हैल डिफाइंड वील कॉल इट कैप्सूल तो ग्लैकोकेलिक्स का अपने आप में एक एक्स्ट्रा uh, लेयर होती है इन द डायग्राम ये स्लाइन है दिस वन ले तो एक तो प्लॉलिसक्रेड नेचर का हो गया ठीक है और ये लूजली इल डिफाइंड हुआ तो उसको स्लाइम कहेंगे एंड स्लाइम जब, जब स्लाइम प्रोड्यूस्ड जब ज़्यादा स्लाइम प्रोड्यूस्ड होता है हैं इट मेक्स अ बायोफिल्म अराउंड द सेल वॉल अब एक एक्स्ट्रा कवरिंग है सेल वॉल के बाहर भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग है एंड एक्स्ट्रा कवरिंग एंड देन इट विल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया एंड विल कॉज पैथोजेनिसिटी अब स्लाइम आपको पता हो तो बच्चे खेलते हैं चिपचिपा होता है स्लाइम एज यू हैव सीन द किड्स प्लेइंग विद द स्लाइम तो एक इट कॉजिज एडिशन इट कॉज द एडिशन द बैक्टीरिया विद द सरफेस एंड एन एक्स्ट्रा लेयर इज प्रेजेंट सेलवॉल के बाहर भी एक एक्स्ट्रा लेयर है तो एंटी फेगोसाइटिक नेचर का होगा क्योंकि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा उसको उसको खाने नहीं देगा बाय द ह्यूमन सेल्स सो एंटीफेगोसाइटिक नेचर का होता है अलॉन्ग विद की क्या होगा कि ना एंटीबॉडी um, जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी एंट्री को डिक्रीज करेगा क्योंकि जो लेयर्स हो गए सेल्स की वो ज़्यादा हो गई ज्यादा दरवाजे बन गए तो जाने के लिए दिक्कत आएगी सो इट डिक्रीजेज द एंटीबॉडीज एंट्रीज नाउ कमिंग टू द बैक्टीरियाज प्रेजेंट विद द स्लाइम तो स्ट्रेप्टोकोकस uh, म्यूटेंट्स हो गया एक स्टैफ एपिडर्मिस हो गया एक न्यूमोकोकस एरजिनोसा अब न्यूमोकोकस एरजिनोसा होता है जो ह्यूमंस में सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज करता है एंड जिन ह्यूमन जिन इंसानों में मेंस्टिक फाइब्रोसिस हुआ उनमें ये स्लाइम ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा स्लाइम ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा तो उसको हम कलेक्टिवली एलगिट बोलते हैं So, these three are the examples of a slime producing Streptococcus mutant, a staphylococcus, a pneumococcus aeruginosa. नाउ कमिंग द कैप्सूल कैप्सूल होता है कि इट इज़ वेल डिफाइंड लेयर एंड बोथ द स्लाइमन द कैप्सूल पॉलीसाइक्राइड नेचर लेकिन एक्सेप्शन है दैट इज बेसुलस एंथ्रेसिस अब बेचलस एंथ्रेसिस क्या होता है पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता हैव टू कीप इट रिमेंबर एंड कैप्सूल एक वेल डिफाइंड लेयर होता है सेल के आसपास तो एक इंपॉर्टेंट वायोलेंस फैक्टर का रोल प्ले करता है और कैप्सूल में कोई भी चार्ज नहीं होता कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा तो वी कैनॉट यूज द बेसिक डाइस टू कलर द कैप्सूल इसके लिए हम क्या करते हैं हम बैकग्राउंड को कि हम बैक्टीरिया को तो हम डाई दे नहीं सकते तो हम बैकग्राउंड को डाई कर देंगे और बैकग्राउंड को डाई कैसे करेंगे नेगेटिव स्टेन यूज से करेंगे दैट इज यूज बाई इंडिया इंक एंड निग्रोसिन स्टेन तो सब बैकग्राउंड काला जाएगा काला हो जाएगा और जो बैक्टीरिया है जो कैप्सूल है इट गिव हेलो अपियरेंस इन द ब्लैक बैकग्राउंड नाउ कैप्सूल क्या होता है एंटीजेनिक नेचर का होता है एंड सिंस इट इज़ एंटीजेनिक नेचर तो हम क्या एंटी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हम डाल देंगे टू सी द रिएक्शन और कैप्सूल क्या स्वेल हो जाएंगे फूल जाएंगे एंड दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड द क्विलिंग रिएक्शन एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम की यहाँ पे जो कैप्सूल है वो फूल गए और सूज गई हैं सर इट इज क्वेलिंग रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ नाउ दिस आर बेसिक पॉइंट्स पॉलिस नेचर का होता है पॉलीपेप्टाइड वैसे एंथ्रेसिस में होगा कोई भी नेट नेगेटिव चार्ज नहीं होता है नेट uh, चार्ज नहीं होगा तो, तो हम नेगेटिव स्टेन्स हम यूज़ करते हैं रिएक्शन जो होता है क्वेलिंग रिएक्शन शो करता है नाउ दिस आर आदर इंपॉर्टेंट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया दिस समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ये अम बैक्टीरिया द किलर एंड द मेन कैप्सूल दिस आर पिक्ड फ्रॉम द इंटरनेट अगर आपको लाइव आपको टॉपिक तौपक याद नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक से कोई भी निमोनिक सर्च करो या टॉपिक का नाम दो तो प्लस निमोनिक पूछो कि स्टैफ निमोनिक या स्टैफ निमोनिकल गेट द वे वाई द गूगल तो उसका फायदा यह कि आपका निमोनिक अगर अच्छा लगे तो जो हेडलाइन हो तो उसके सामने निमोनिक लिख दो और उसका फायदा ये होता है कि फटाफट मतलब जब भी हम पढ़ते हैं टॉपिक की हेडलाइन पढ़ते हैं उसके साथ निमोनिक भी पढ़ा जाएगा तो कॉन्शियसली सब कॉन्शियसली विल गेट द टॉपिक अलॉन्ग निमोनिक इन और जब जब, जब चार ऑप्शन आते हैं पेपर में वी कैन ईजिली क्लिक कर जाता है हमारे ऊपर कि वी कैन ईजिली चूज भी कौन सा हो सकता है कुछ गैस भी होता है और कुछ एलिमिनेशन भी होता है इसके अलावा हम याद करते हैं तो हमको निमोनिक याद रहे ना रहे लेकिन जब हम उस निमोनिक्स रिलेटेड चीजें देखते हैं तो हमें वो चीज क्लिक कर जाती है एग्जाम में जो कि ऑप्शन हमें दिए हुए होते हैं थे एग्जाम नहीं है दैट यू हैव टू रिमेंबर एवरी लाइन ऑप्शन होते हैं देन वी कैन गैस द आंसर सो येस एम बैक्टीरियल किलर एंड मीन कैप्सूल सो येस फॉर यार देन स्टेप्टोकॉकस निमोनिया बैक्टीरियड्स फ्रेजिल एच इन्फ्लुएंजा कैप्सीला एंथ्रिक्स बेसिलस निजीरिया मैनिजाइटिस क्लोस्टीरियम परफ्यूंजिस इसके अलावा फंगस भी होता है वो भी कुछ कैप्सूल शो करते हैं एक तो क्रिप्टोकॉकस हो गया अपना और इसके अलावा एक बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया ऑल्सो शोज द कैप्सूल एंड जब स्ट्रेफ स्ट्रेप्टोकास हम पढ़ेंगे तो उसमें जो ए बी सी डी ए बी सी एंड डी ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोका दल्सो शो द कैप्सूल ना कमिंग टू के ना दिस एक्सेप्शन सम ऑफ द एक्सेप्शन की बॉर्टेला परचेज

फ्लैजुलग क्या होता है कि ऑर्गन ऑफ लोकोमेशन होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट अपियर्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ये प्रोटीन सब यूनिट का बना होता है इसको बोलते हैं फ्लैजुलम सो इट इज़ थ्री पार्ट्स फिलामेंट होकर इन द बेजल बॉडी एंड बाय आफ्टर द बेजल बॉडी क्या होता है कि रिंग्स होती हैं जो प्रोटीन पम्प से रोटेट होती हैं अब जो रिंग्स रोटेट होंगी प्रोटीन पम्प थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो मूव करेगा मूव करेगा तो बैक्टीरिया आई की तरफ चलता है तो हैव इन द लोको मोशन अब पूछा जाता है जो यहाँ पे क्वेश्चन की ना कित कौन से बैक्टीरिया में कौन कितने रिंग्स होती हैं तो ग्राम पॉजिटिव में दो रिंग्स होते हैं दैट इज़ एम एस एंड पॉजिटिव दिस ग्राम नेगेटिव में एम एस एंड पी एल सो लाइक दीज आर द रिंग्स एज यू कैन सी दीज आर द रिंग्स जो इनको घुमाने में दो लोकोमोशन रो, रो, में हेल्प करता है सो so, बट याद कर जाए ग्राम पॉजिटिव इज प्लस साइन सो प्लस साइन इज़ एग्जीक्यूटेड बाई टू लाइन्स दो लाइन बन के एक प्लस बनाएंगे तो दो रिंग्स होती हैं एम एंड एस दिस विल हेल्प यू इन रिमेंबर ये सी लगता है हमको याद करने में आई नो दैट बट एक बार हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हाँ छोटा सी चीज़ थी या हमें रिलेट करके कुछ याद किया तो ये याद रहता है जो एग्ज़ाम में हमको ये याद नहीं रहता कि में दो रिंग थे किसमें चार रिंग थी अभी तो एक ही टॉपिक पर सो इजी फॉर अस टू लर्न ना कमिंग नेक्स्ट फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि एक फ्लैजिला है या टफ टॉफ फ्लैजिला है या दोनों तरफ फ्लैजिला है बैक्टीरिया की या पेरी ट्रैकस मतलब चारों तरफ तो फिर मोनोट्रैकस मीन्स वन फ्लैजिला प्रेजेंट इन द स्यूडोमोनाज लोफो मींस टफ टॉप फ्लैजिला प्रेजेंट इन द एच पायलो राई एम फेमस ऑन द बोथ दाइड्स प्रेजेंट इन दैम पायलो बैक्टर एंड पेरी मीन्स चारों तरफ सराउंडिंग द कंप्लीट बैक्टीरिया सो बेसिलस में हो गया क्लोज ट्रीडियम में हो गया और द एंटीरो बैक्टीरिया में हो गया तो इसमें सब क्वेश्चन सब पूछे ही जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज लेस इम्पॉर्टेंट बट सिंस इट मे बी आज तो आई हैव कवर द टॉपिक फ्लैजुलर फ्लैजुलर डिस्ट्रीब्यूशन नाउ कमिंग नेक्स्ट द वॉट आर द मैथडस आर यूज़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लैजिला तो टू मैथड्स आर यूज वन इन 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 डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन बोल जाता है कि ना इंडाक्ट मैथड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं तो इन डायरेक्ट मैथड इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाता क्योंकि एम सी क्यू एज और नेम ऑफ द मैथड्स आर मॉर देन इनफ इन द डायरेक्ट मैथड्स इलेक्ट्रोल माइक्रोस्कोप एंड द इन प्रेगमेंटेशन इज यूज एंड इन द डायरेक्ट इन डायरेक्ट मेथड हैंगिंग डॉप प्रिपरेशन यूज़ करते हैं सॉफ्ट अगार मीडियम एंड द सॉफ्ट अगार क्रेक्स ट्यूब एंड द यू ट्यूब एंड दॉट हैपन्स इज दैट के नॉन मोटाइल अगर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हम क्रेक्स ट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होता है वो ओपेक हमको स्ट्रेट लाइन दिखती है अगर नॉन मोटाइल होता है तो एंड विद द ट्रांसलूसेंट मीडिया जबकि मोटाइलों को ट्रांसपेरेंट मीडियम दिखता है एंड नो सिंगल ओपेक लाइन सी अंदर मोटाइल बैक्टीरिया कमिंग नेस कम द क्वेश्चनशिएट द मोटाइल एज वेल नॉन मोटाइल स्ट्रेन एंड वट इज नॉट प्रेजेंट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैप्टीडोग्लाइके पेप्टोडोग्लाइकेज प्रेजेंट बहुत द ग्राम नेगेटिव द ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ज्यादा लेर थिक होती है पेप्टोग्लाइकेन की और ग्राम uh, नेगेटिव पतली होती है एलोपोल स्पेसिफिकलीज होता है एसिड नाउ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इसमें एक तो क्लैपुलाज यू रिमेंबर द निमोनिकेस बैक्टीरिया है मीन कैप्सूल सो के फॉर द क्लैप्सूला अलॉन्ग विद हैल्सो टोल्ड यू कि जो क्रिप्टोकोकस होता है फंगस दैट ऑल्सो शोज द कैप्सूल सो क्रिप्टोक Focus is also the answer. So. Um now thank you for today's lecture. I hope that you have liked it. So please do use my code that is Muskan. and if you think there's something I'm uh, not able to cover or something I've not told you okay, please write down in the comment below and what else I need to improve and what uh, how do I shall improve my teaching skills. So please uh, do comment down below. I hope that uh, you have liked the way I've uh, taught you and please do work hard and all the very best. Stay, uh, stay safe and stay at home.